मिनट की पहले ट्रायल डिक्टेशन है, उसके बाद मेन डिक्टेशन। टाइप आपको मेन डिक्टेशन की जरूरत है ना, रेडी स्टार्ट। प्रकृति ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट है। ईश्वर ईश्वर प्रकृति के माध्यम से भोजन, हवा, पानी, सांस और आनंद देता है। वहीं मन हमें आनंद, क्लेश और सुख दुख दोनों ही दे सकता है। विशेषकर मनुष्य छेड़छाड़ करके अपने और प्रकृति के नुकसान का कारण और चुनौती बनता जा रहा है, जबकि अधिकतर अन्य जीव प्रकृति अनुकूल जीवन जीते हैं। स्टॉक विकास की भूख जरूरतों के अंबार और आधुनिकता की ओट में वनों की कटाई, पर्वतों की तोड़फोड़ करके मकान, उद्योग, वाणिज्यिक गतिविधियां, सड़क आदि के निर्माण में कंक्रीट की बड़ी बड़ी परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं। इस्टो आधुनिकता के ढेरों पक्षकार मानते हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ वृद्धि या विकास की रफ्तार के लिए है। इस्टो सुख की अबूझ पिपासा प्रकृति के साथ अभाद और परिणाम विमुख छेड़खानी चल रही है। इस्टो हालांकि प्रकृति बारंबार चेताती है, इस्टो कभी भूकंप आहट देता है तो कभी बाढ़ का तांडव। स्टॉप मनुष्य कुछ पल झिझकता है, लेकिन आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में फिर से जुट जाता है। स्टॉप पैरा मन जीवन का विषय है, जिसका बहुत बड़ा संबंध प्रकृति से है। स्टॉप उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान सब कुछ संगठित असंगठित तरीके से कर रहा है। स्टॉप निर्मल मन वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक और प्रकृति के अर्थ को समझ सकता है। स्टॉप मुख्य डिक्टेशन, इसकी आपको टाइप करनी है, रेडी स्टार्ट। दुनिया जानती और मानती है कि पढ़ने, लिखने, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। स्टॉप जब से सोशल मीडिया ने इंसानी दिमाग पर कब्जा किया है, हर विषय पर सूचनाओं के अंबार लगे हैं। स्टॉप यह साबित हो रहा है कि कुछ भी सीखने की उम्र तो नहीं होती, समय भी नहीं होता। स्टॉप सुबह से शाम तक 24 घंटे सीखते रहा जा सकता है। स्टॉप दुनिया भर के लोग और खासकर हमारे देशवासी सामाजिक मंच पर ज़्यादा जमा हैं। स्टॉप ये लोग हर समय एक दूसरे को उपदेश दे रहे होते हैं, यानी सिखा रहे होते हैं। स्टॉप उन्हें सुबह शुभ दिन का संदेश भेजा जाए तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने हाथों से शुभ दिन लिखकर यानी मोबाइल के कीबोर्ड पर टाइप नहीं करते, बल्कि कहीं से भेजे गए उपदेश को सिर्फ अग्रेषित कर देते हैं, जिनमें कोई न कोई सीख होती है। स्टॉप यह बात दिगर है कि वह सीख आज के माहौल में ऐसी होती है मानो महाभारत के समय में रामायण की सीख पर चलने के लिए आग्रह किया गया हो। स्टॉप पैरा सुबह जल्दी उठें या देर से दूसरों को सिखाना, बताना और समझाना शुरू हो जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर क्या क्या करें। स्टॉप इस बारे में सैकड़ों लोग सिखा रहे हैं कि नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर को क्या
और रात का भोजन और वजन कितने बजे करें। स्टॉप। आपकी पसंद, सेहत और आर्थिक हालात सिखाने वालों को पता नहीं होते। स्टॉप। उसका नैतिक कर्तव्य तो सुबह से रात तक क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में सिखाना है। स्टॉप। खाने के साथ साथ पोशाक पहनने के बारे में कई पाठ हैं। स्टॉप। किस दिन कौन सा रंग पहने, किस राशि के लोग कौन से वस्त्र धारण करें, कौन से नक्षत्र में पैदा होने वालों को कौन से रंग के फल और सब्जियां खानी चाहिए। स्टॉप। पैरा। आशंका है कि शायद आने वाले वक्त में यह बताया जा सकता है कि किस राशि के व्यक्ति को सोमवार को किस किस आकार के कॉलर की टी शर्ट या कमीज पहननी चाहिए। स्टॉप। मंगलवार को बिना कॉलर की लाल कमीज पहननी चाहिए या नहीं। स्टॉप। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं कि जो बताएं कि रविवार को घर पर खाना नहीं चाहिए। स्टॉप। इसी तरह अलग अलग दिन के लिए अलग अलग रंग के कपड़े पहनना निर्धारित किया जाएगा और बताया जाएगा कि उसे कोई खास कपड़ा पहनना शुभ है या नहीं। स्टॉप। पसंद पर इस तरह की धारणाएं और बाजार की मांग या कारोबार हावी रहेंगे। स्टॉप। यह बात दिगर है कि बदलते फैशन पर फिल्मी शैली का कब्जा है। स्टॉप। कपड़ों के आकार, प्रकार या डिजाइन के मामले में अशालीनता रोजाना नए पहाड़ पर चढ़ना सिखा रही है। स्टॉप। किसी की पसंद दूसरों की नापसंद होती है। स्टॉप। मसला सुविधा और चुनाव का है जिस पर बंदिश संभव नहीं है और न ही उचित है। स्टॉप। पैरा। आसपास सिखाने वालों की कतार लगी है। स्टॉप। अब नई और हैरान करने वाली चीजें पकाने वाले दर्जनों लोग सामाजिक मंत्र पर सक्रिय हैं। उनके बारे में बताने वाले दिन रात जुटे हुए हैं। स्टॉप। यूट्यूब के वीडियो में खाना पकाना सिखाना और कमाना प्रतियोगिताओं में लिपटा व्यवसाय है। स्टॉप। रसोई चलाने वाले लाखों लोग इनसे सीख रहे हैं। स्टॉप। इतना ज़्यादा सिखाया जाने लगा है, लगता है सुनने वाले तमाम लोग बुद्धू हैं। स्टॉप। किसी को कुछ पता नहीं है। स्टॉप। सिखाने वाले मानते नहीं होंगे कि सभी अपने तरीके से खाना पीना पहनना चाहते हैं, उन्हें बस सिखाना है, इसलिए उनकी बातें लहजा और भाव भी उपदेशक की होती हैं। स्टॉप। वे मानकर चलते हैं कि वे सिखा रहे हैं और बाकी सब लोग सीख रहे हैं। स्टॉप। पैरा। इससे इतर एक स्थिति यह है कि अधिकांश लोग इस मंत्र को आत्मसात कर चुके हैं कि जिंदगी एक बार मिली है। स्टॉप। इसको अपने अंदाज में जीना मजा लेना जरूरी है। सवाल है कि ऐसे में सिखा रहे लोगों को सुनने वाले लोग सुनने के बावजूद कितना सीखते होंगे। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने सिखाया कि सफाई करने से पहले जरूरत के मुताबिक सूची बनाकर रख लें। स्टॉप। यह बताया गया कि कमरा खाली कर सफाई करें। स्टॉप। सफाई का पूरा फार्मूला बता दिया गया। स्टॉप। जिंदगी तकनीक के शिकंजे में फंसती जा रही है। स्टॉप। सुझाया गया कि थकान से बचने के लिए एक दिन में एक ही कमरा साफ करें। स्टॉप। पुराने पॉलीथीन बोतलें कपड़े और प्लास्टिक मात्र संभाल कर न रखने बल्कि किसी को देने या बेचने के बारे में सुझाया गया। स्टॉप। बाजार ने दबाव बनाकर खूब सामान खरीदना सिखा दिया है।
स्टॉप जिंदगी में स्वच्छता, पर्यावरण, प्रेम, ईमानदारी और अनुशासन बहुत हो गया। अब तो बस सिखाया जा रहा है कि टी शर्ट, कार्डिगन, पैंट या हुड्डी कैसे तह करें। स्टॉप इसे आसान बनाकर फोटो और वीडियो सहित बताया जा रहा है। स्टॉप घरेलू सफाई के लिए छोटे से छोटे उपाय बताए जा रहे हैं। स्टॉप यानी कोई भी काम हो तो व्यक्ति अपना दिमाग खर्च न करे, बस YouTube या कोई अन्य मंच खोल ले और सब कुछ निर्देशित तरीके से सीख ले। स्टॉप पैरा पहले भी तो संतान होती थी, कितना सहज और सरल था सब कुछ। स्टॉप कितने विकास के बाद भी यह सीखने में कम आता है कि लड़का लड़की समान होते हैं। स्टॉप यह समझाया जा रहा है कि लड़का चाहिए तो क्या कैसे करें, क्योंकि हमारे समझदार और अति विकसित होते जा रहे समाज की मानसिकता में लड़के की चाहत कम नहीं होती। स्टॉप अब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में सीखने का दौर गया, अब तो हर विषय पर वीडियो बनाकर सिखाया जा रहा है। स्टॉप व्हाट्सएप की दुनिया में अध्यापक बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप सिखाना ज़्यादा हो रहा है और सीखना कम। स्टॉप इन सिखाने वालों के लिए अब यह सीखने का वक्त आ गया है कि किसी भी मामले में उपयुक्त स्तरीय सलाह कैसे और कितनी दी जाती है। स्टॉप मेहनती और तार्किक आधार पर सीखने वालों को भी जगने की जरूरत है। स्टॉप पैर देह एक रथ है, इंद्रियां उसमें घोड़े, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। स्टॉप मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को न जाने कहां लिए फिरे। स्टॉप मन में दुख होने पर देह भी ठीक वैसे ही संतप्त होने लगता है जैसे घड़े में तपाए हुए लोहे के गोले को डाल देने में उसमें रखा हुआ ठंडा पानी गर्म हो जाता है। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, कौन क्या कैसे और क्यों कर रहा है, इससे मन को जितना दूर और संतुलित रखेंगे मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। स्टॉप।